धन्यवाद सर, खूब इंस्पायर सुश्रेया जी कैसे आपका वीडियो। हैं? अच्छा है, आपका नाम डियर फॉरवर्ड है, हाइडल डिस्ट्रिक्ट दूसरा से बैठा अच्छा सुश्रेया जी, है। मुझे हाँ बताया गया कि आप तो बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो किस किस चीज की खेती करते हैं आप? ऑर्गेनिक खाद इन्हें चीन से ना तो ना पकूकर से दुआ वो ना चीन चीन जो सोटी के चाहते बुजी पे प्रोग्राम पे। सर सबसे पहले हम ऑनलाइन पर अपने प्राइम मिनिस्टर जी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर सारे फार्मर जितने भी लोग बैठे हैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आपने मिजोरम को ये अच्छा मौका दिया। सब लोग बहुत खुश हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। शोया जो है आइजोल दुप्लांग में रहते हैं और ये जैविक खेती 2017 से कर रहे हैं और जिसमें ये अदरक और मिजो मिर्ची और जो वेजिटेबल होती है उसकी ये खेती करते हैं। अच्छा सोया जी, इस केमिकल फ्री फार्मिंग का क्या फायदा है? अपने कुछ अनुभव बताइए ताकि देश के किसान सुन रहे हैं, और मिजोरम से आवाज उठ रही है तो देश के किसानों का बहुत मन करता है आपकी बात सुनने का, और मेरा भी मन करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग खाएंगे ना तो खाएंगे महलाक में नहीं तो आप आपको अरे आप उनको पूरा खर्च बताइए, मैंने जितना बोला वो सारा ट्रांसलेट करके बताइए उनको, एक दो वाक्य मत बताइए, सर। आप फिर से माइक लेके सबको सर बताइए। मैंने को भी बताया है, आपने जो पूछा है उनको फिर वो बताएंगे मेरे को, मैं उसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मार्केट अच्छा है, इनका तो अच्छा है। फिर हम लोग सुनते हैं तो नहीं बंदा सर, वो सबसे पहले कहना चाहते हैं जब से उन्होंने जैविक खेती शुरू करी है तब से इनको सबसे बड़ा जो लाभ आज तक मिला है वो है मार्केट में। तो जैसे इनकी पहले और भी किसान इनके साथ जुड़े थे, इनकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनी है। आज की डेट में बाहर से कंपनियां हैं, जो दिल्ली से कंपनी है इनको बात करती है, इनके पास फोन आता है इनका सामान लेने के लिए, और इनकी जो इनकम थी वो भी बहुत अच्छी ज्यादा बढ़ी है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आमदनी के बारे में एक बार बताएं। इनकम स्टेटस अच्छा आप लोग अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचते हैं, और ये भी बताइए कि इन उत्पादों की कितनी मांग है, किस इलाके में ज़्यादा मांग है? इच्छों में एका खोया के जो अच्छी ना चांद ये तंबे रिजर्व पे लिखा चुके बिल्खा आई पे कल चुके जो फंड कम चुके मार्केट अच्छा ठीक ना आई हूँ। मेरी सबसे नियर मार्केट है वहाँ पे इनकी वेजिटेबल जाती हैं जो ये स्कीम के अंदर काम कर रहे हैं मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके अंतर्गत एक मार्केट सेट बनाया गया था जहां पे किसान बिना किसी मिडिलमैन के डायरेक्ट अपनी सब्जी बेचते हैं आके, और उसका जो फायदा होता है जैविक का सारा किसान के पास जाता है। पहले इनकी जो आमदनी थी वो 20,000 रुपया होती थी, जब से जैविक खेती की तरफ इन्होंने रुख किया है आज इनकी इनकम 1,50,000 रुपये है। बच्चों को ये अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, घर भी इन्होंने अपना पक्का बना लिया है अभी, क्योंकि अभी तक इनको मेन बेनिफिट हुआ है सर। सोया जी, और मिजोरम के जो भी लोग आज मेरे सामने बैठे हैं, और देश भर के किसान भी सुन रहे हैं, और मैं जरूर कहना चाहूँगा सोया जी, आज लाखों किसान केमिकल फ्री फार्मिंग से जुड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप इतने दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट में से भी इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रकार की खेती हमारे स्वास्थ्य के साथ ही
धरती माता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। पिछले 9 वर्षों में केमिकल फ्री फार्मिंग का मार्केट 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है, लोगों के स्वास्थ्य में भी लाभ हो रहा है और मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को केमिकल फ्री खेती को अपनाने के लिए जो आगे आए हैं वो बधाई के पात्र हैं और जो इंतजार करते हैं उनसे मेरा आग्रह है।